अक्षर जी, आपकी नई फिल्म का आज मुहूर्त किया गया, कल्लू जी इस फिल्म में हीरो है, कुछ बताइए फिल्म के बारे में। सबसे पहले तो इस वक्त जितने भी दर्शकगण अभी मुझे देख रहे हैं, हम सबों को देख रहे हैं, उन सभी को हम सबों की तरफ से ढेर सारा प्यार और प्रणाम। और ये हमारी फिल्म है, मेरे ख्याल से पहली फिल्म हम एक साथ कर रहे हैं, और इससे पहले किया पर अलग अलग कैरेक्टर्स में थे, बट ये पहली फिल्म है। ये बेहद खुशी की बात है मेरे लिए कि मुझे इस फिल्म में इस काबिल समझा कि मुझे कास्ट किया। और चंदन जी और कल्लू जी के साथ बहुत दिन से ड्यू था काम करना, बिकॉज ये भी कह रहे थे ये मेरे बहुत ही चहेते हैं, और मैं इनको बहुत प्यार से बाबू बुलाती थी और बुलाती हूँ भी अभी। और काफी टाइम से ड्यू था कि इनका कहना था कि एक फिल्म करते हैं साथ में, लंबा अरसा हो गया और इनके साथ भी ड्यू था इन्होंने साइन किया हुआ था मुझे 2-3 साल पहले से, लेकिन काम करने का ऐसा संजोग नहीं बन रहा था, बट फाइनली हम सब एक साथ एक अच्छी फिल्म, एक बेहतर फिल्म के साथ आने वाले हैं, और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ सबों की। कल्लू जी, आप क्या कहेंगे अक्षर जी के साथ आप फिल्म कर रहे हैं? इन्होंने बताया है कि इसके पहले हम लोगों ने फिल्म किया है, लेकिन वो फिल्मों को छोड़ते हुए हम लोग अभी में जी रिप्रेजेंट में जीते हैं। तो पहली बार हम लोग हीरो हीरोइन के रूप में आप लोग के बीच आएंगे, तो क्योंकि मैं इसलिए बोलता था, मैं पहले भी बोला था अक्षरा जी से कि जब भी हम लोग शो करते थे, तो जब भी मैं कहीं शो करने जाऊं तो सब बोलते थे कि भैया इनके इनका नाम लेके कि इनके साथ मूवी कब आ रही है। चाहे हम लोगों ने शो भी किया है साथ में, तो काफ़ी दर्शक पसंद करते हैं साथ में। तो इससे पहले भी मैंने बताया कि दर्शक जो पसंद करें, हमें वैसी फिल्म लेनी चाहिए और हमें वैसे ही कलाकार लेने चाहिए। तो मैंने चंदन मैंने जब ये सब्जेक्ट सुनाया, और मेरे से पहले इन्होंने ही बोला कि इस फिल्म में अक्षरा जी बेस्ट रहेंगे, तो मैंने बोला तब तो चले सोने पे सुहागा हो गया। दर्शक भी बोलते थे, मैं भी चाहता था, और हम लोग जब भी मिलते थे तो एक होता है ना, शुभ घड़ी नहीं मिल रहा था कि कब हम लोग ये शुभ घड़ी में काम करें, सुजनियम नहीं कर रहे, सुजनियम ना मिलता रहे कि कब हमें काम करें तो ये ऐसा टाइटल भी मिल गया कि शुभ घड़ी आयो। तो और आपने पूछा भी इसके पहले कि कहाँ है आपकी अक्षरा जी, तो मैंने बोला जब आएंगे तो शुभ घड़ी आ जाएगा, और देखिए आते ही इनके शुभ घड़ी आ गए, 4 चांद लगे हमारे मुहूर्त में तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए भी कि एक अच्छा कंटेंट के साथ, अच्छी फिल्म के साथ, देर ही सही लेकिन हम लोग अच्छे फिल्म के साथ आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जैसे दर्शक हम दोनों को प्यार देते हैं, उससे भी कई अधिक प्यार देंगे ये फिल्म के माध्यम से। एक तो बहुत तीन चीजें प्लस हो गई अभी तो। पहले मैं और कल्लू का फेवरेट कॉम्बिनेशन चलता था, इंडस्ट्री में भी लोग बोलता है चंदन उपाध्याय और कल्लू का, वो तीसरा कॉम्बिनेशन लेके आया हूँ साथ में इस बार मतलब जैसे हम दोनों साथ करते थे, अब ये तीनों साथ कर रहे हैं। ये पहले इनके साथ हैट्रिक हो चुकी है, चौथी फिल्म हम लोग फ्लोर पे जा रहे हैं, और ये अभी जुड़ी है चौथी फिल्म से, मतलब हैट्रिक के बाद अभी नेक्स्ट जो हैट्रिक होगा वो इनके साथ होना है। तो खुराफात करने की आदत है शुरू से, बचपन में कहा करता था लोग ये वाला पेड़ में मत चढ़ना, इस पे कोई चढ़ता नहीं है, तो मैं जानबूझ के उस पे चढ़ता था। तो अक्षरा जी को और कल्लू को क्या मैं पेड़ पे चढ़ने वाली दिख गई क्या आपको? नहीं, मतलब कहा जाता है जो असंभव होता है उसको संभव करना, तो कभी आज से साथ में अक्षरा जी और कल्लू जी कभी नहीं आए थे साथ में, तो ये मेरा सौभाग्य है कि इन दोनों के साथ मैंने एक प्रस्ताव रखा कि हम लोग साथ में प्लान कर रहे हैं फिल्म आपके, और दोनों ने एक साथ बोला वाओ बढ़िया है करते हैं साथ में, तो ये बहुत बढ़िया घड़ी है, शुभ घड़ी आयो, और टाइटल भी बहुत अच्छा है शुभ घड़ी आयो, तो इसीलिए ये शुभ घड़ी आया है। अक्षय जी, क्या किरदार होगा इस फिल्म में, कुछ बताएंगे? इस फिल्म में जो किरदार है वो मैं रिवील ही नहीं करना चाहूंगी, बिकॉज मेरे हिसाब से एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो आमूमन हम लोग करते हैं भोजपुरी फिल्म्स, जैसी की होती है, जैसी स्टोरी होती है, उससे बहुत ही अलग है, और बेहद क्या बोलूं मैं, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस स्क्रिप्ट से, इस स्टोरी से, तो हम लोग मेहनत करेंगे जम के और एक ही बार धमाकेदार सरप्राइज देंगे, ताकि आप लोगों को जानने को मिले कि क्या स्टोरी है और क्या है, इसलिए ज़्यादा कुछ उचित नहीं लग रहा है मुझे कहना। हाल ही में आपको एक बड़ा सम्मान मिला है रानी लक्ष्मीबाई का, उसके लिए काफी चर्चाओं में है, उसके लिए
उसके लिए मैं सिर्फ एक ही लाइन में कहना चाहूंगी कि मैं उस काबिल अपने आप को नहीं समझती हूँ। अभी मैंने सीखना शुरू किया है और जितना लोग प्यार दे रहे हैं उसके लिए दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आजीवन आभारी रहूंगी उस चीज के लिए कि इतने कम समय में इतना ज्यादा लोगों ने प्यार दिया है और दे भी रहे हैं, विच इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। थैंक यू सो मच। अच्छा तो सर, आप क्या कहेंगे अपनी फिल्म के लिए और अपने स्टार कास्ट के लिए? ये इस फिल्म का मैं प्रोड्यूसर के साथ साथ राइटर भी हूँ। जब मैं लिख रहा था तो अच्छा जी मेरी फर्स्ट चॉइस थी, कल्लू को तो मैंने बाद में डिसाइड किया जो अच्छा जी को ही माइंड में लेके लिखा था मैंने। अच्छा अच्छा, बाद में फोन पे ज्यादा दूर नहीं है, बनारस में ही है। और ये कल्लू जी कह रहा है ना कि वो दर्शक पूछते थे कि जोड़ी कब आएगी जो है, तो वो दर्शकों में मैं ही था जो पूछता तो बड़ा अच्छा जगह है, बहुत मुहूर्त आ गया है और ये बहुत हिट जोड़ी जाएगी, तो मेरा ऐसा उम्मीद है। और बताना चाहेंगे, अभी तक हम लोग चर्चा नहीं किए, इस फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं ओम झा जी हैं कि नहीं हो, और इस फिल्म के क्या है, चंदन भैया की फिल्म में कॉन्सेप्ट पे तो काम करते ही हैं, इनके साथ हमारी इसलिए ट्यूनिंग अच्छी, इसलिए हम इनके साथ फिल्म में आज चौथी फिल्म कर रहे हैं, क्योंकि ये जैसे होता है डायरेक्टर आए, कॉन्सेप्ट बनाए, स्टोरी बनाए और म्यूजिक जो बन रहा है म्यूजिक डायरेक्टर बना रहे हैं, वैसा नहीं है। हर रोज म्यूजिक डायरेक्टर के साथ ये बैठते हैं और हम लोग संगीत लाइन से जुड़े हैं, पहले सिंगर हैं और अब तो अक्षरा जी भी बहुत अच्छी बहुत बड़ी सिंगर हो गई हैं तो दो सिंगर दो एक्टर एक्ट्रेस अभी आप लोग के बीच आएंगे। तो इस फिल्म में जो म्यूजिक डायरेक्टर है ओम झा जी और उनकी जो टीम है, जैसे प्यारलाल कवि जी हैं, यादव राज जी हैं और हमारे बड़े भाई जो कि बचपन से हमेशा एक से बढ़ के एक गीत दिए हैं, आर पंकज जी, तो मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने दो तीन सॉन्ग ही सुने और इतने प्यारे प्यारे सॉन्ग सुने, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ तो कुछ अब तो ब्लास्ट हो गए।